फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल से बस लाइफ स्टाइल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग आए हैं रेडी सासी लेकर पार्क में। और ये देखिए, ये बोगनविलिया यहाँ पे पीछे ही लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर से यहाँ का व्यू आ रहा है। आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पे है कौशिक जी, तो कौशिक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, सभी तो सब कुछ बोल ही दी है। और जैसे कि बोल चुकी है कि हम लोग सासी नगर पार्क में आए हैं और आज संडे हैं। थोड़ा सा हम लोग इंजॉय करने के लिए मॉर्निंग में अपने फैमिली, फुल फैमिली के साथ आए हैं। फुल फैमिली मीन्स पापा तो आज नहीं आ सके क्योंकि वो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। और कौशल कृपा आया है और वो लोग खेल रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी दिनों के बाद हम लोग पार्क आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ का जो ये बोगनविले का पेड़ है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, तो मैंने आपको दिखा दिया है। वहाँ पर है कौशल और कृपा, दोनों खेल रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक डक है, छोटा सा, देख सकते हैं। और कृपा हम लोग के देख के दौड़ के आई और कहने लगी, पापा हमें डक पे बैठना है। और फिर कौशिक जी का हाथ पकड़ के ले जाने लगी। तो कौशिक जी यहाँ पे कृपा को बैठा दिए हैं और कौशल का भी बैठने का मन था, तो थोड़ा डर लग रहा था। तो कौशिक जी बोले, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, हम है ना। तो फिर यहाँ पे बैठ गया कौशल डरते डरते। छोटी की जुबान नहीं। हाय फ्रेंड्स, आज मैं पार्क में आई हूँ और आपको भी आना, तो यहाँ आइए। मैं यहाँ से मजे कर रही हूँ और वो ना पी पी अच्छे से यहाँ से हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, काफ़ी सुंदर यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए सीट है बैठने के लिए, आप यहाँ पे इस तरह से बैठ भी सकते हैं।
और अभी हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे आए हैं ना, तो छाया हो गई यहाँ पे, धूप है उधर, अभी यहाँ पे थोड़ा सा छाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शाम के टाइम में आप लोग आइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बच्चे लोग खेलने का भी अच्छा सा स्पेस भी मिल जाएगा। इससे फ्लावर होते हैं लेकिन अभी फ्लावर नहीं आए हैं। तो फिर से अभी गौसी जी बता रहे हैं कि यहाँ पे नदी है, तो देखिए नीचे नदी है। तो फ्रेंड्स इस नदी में छठ पूजा भी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितना सारा बत्तख है और एक गाय भी है, तो चलिए मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दो मुर्गे भी हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आपको दिखा रहे कि व्यूज़ यहाँ पार्क में बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स भी है और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स से यहाँ से खाऊ भी है, इतना कलरफुल है यहाँ। बहुत सुंदर देखिए सीटिंग एरिया बनाया गया है और ये ट्रीज का शेप दिया गया है, लेकिन ये पूरा सीमेंटेड है और ये आपका टेबल से बनाया गया है जिसमें आप यहाँ पार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं। कौशल के कौशल में बैठ गया है और इंजॉय, और देखिए पीछे से ये गाय भी बोले हाँ। तो फिश का शेप दिया गया है, सिटिंग एरिया है। कौशल के भाई यहाँ काफी खुश है। तो यहाँ पे देखिए कृपा, देखिए कृपा डक पकड़ने के लिए बार बार दौड़ रही है और ये गाय भी बोल रहे हैं कि नहीं, नो नहीं पकड़ना है। क्या बोल रहे हैं? नहीं पकड़ना है। कौशल यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी संत होके बैठा हुआ है, सोच रहा है क्या बदमाशी करेंगे। मुर्गा कैसे दो और क्या आ रहा है, क्या अशल क्या बोल रहे हो? हाँ दो दो चार तो बहुत प्यार में बता के और दो तो कृपा इधर देखो। हाँ छोटी छोटी देखिए जैसे धीरे धीरे चल रहा है, ये देखिए कितना बड़ा सा मुर्गा है, कलरफुल मुर्गा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौशिक जी खड़े हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से यहाँ पे बना हुआ है, ये पेड़ का शेप का बना हुआ है, ऊपर भी ऊपर छत सा बना हुआ है। यहाँ पे बारिश में भी बैठ सकते हैं, भींगेंगे नहीं और हल्का फुल्का बारिश से बचाएगा, ज़्यादा तो नहीं बचाएगा क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा में फैला हुआ नहीं है। और ये पीछे मंदिर है, शिव मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे शिव मंदिर है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर यहाँ पे गोल सा सर्कल सा बना हुआ है, ये देखिए पूरा सर्कल में ये बना हुआ है और साइड में यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा एरिया में पार्क है। ये देखिए मंदिर की घंटी बज रही है, मंदिर में शायद कोई पूजा करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा से यहाँ पे बना हुआ है सीढ़ी वगैरह, यहाँ पर हम लोग बैठ भी सकते हैं।
सिद्ध करने आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बना हुआ है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बत्तख पूरा नेचुरल व्यूज है यहाँ। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड शेप यहाँ किया गया और चारों तरफ से आपका हिबिस्कस प्लांट्स लगाया गया है। कितना सुंदर कलरफुल लग रहा है, देख रहे हैं। और इसमें फ्लावर भी आ चुका है, ये काफ़ी प्यारा सा फ्लावर है। ना ये रेड है ना ये पिंक है, स्लाइट दोनों का मिक्सअप है। और इसका लीव्स भी आप देख सकते हैं, कुछ ग्रीन्स हैं तो कुछ हल्का येलो कलर का है। बहुत कलरफुल प्लांट्स है, ये प्लांट्स हम लोग के यहाँ भी हैं। चारों तरफ से सोलर लाइट लगाया गया है, जिसमें रात को भी अगर करंट चला भी गया तो भी ये पार्क पूरी तरह से रोशनी रहे और आने वाले को कोई भी परेशानी नहीं हो, और आने वाले पूरा इस पार्क को एंजॉय कर सकें। अभी मॉर्निंग का टाइम है, 6:50 हो रहा है, इसलिए अब अभी तक कोई यहाँ आए नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे और गर्मी का भी टाइम है, लेकिन ये शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम्स में इसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं, स्पेशली बच्चे लोग आते हैं खेलने के लिए। ये देखिए डस्टबिन, रैनो से, ये डस्टबिन कितना प्यारा सा रैनो सेट का है ये। चलो चलो चलो, ये देखिए फ्रेंड्स, फाउंटेन भी स्टार्ट हो चुका है और मॉर्निंग के टाइम में फाउंटेन स्टार्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग एडजस्ट किए तो ये फाउंटेन स्टार्ट हो चुका है। ये फोन पे देखा सुपर, तो फ्रेंड्स अभी फाउंटेन स्टार्ट किया गया है क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसलिए, तो ये अभी बंद था। तो देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जिराफ भी बैठा हुआ है, देख सकते हैं जिराफ बना हुआ है सीमेंट का, और यहाँ पे कॉफी पीता देख रहे हैं, बस कॉफी पीता देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक रैबिट का डस्टबिन है, देख सकते हैं। चलो तो फ्रेंड्स, ये देखिए अटल समृद्धि चिल्ड्रन पार्क शास्त्री नगर में है, ये यहाँ का बाहर का व्यू आप देख सकते हैं इस तरह का है, और ये बस जस्ट मंदिर के सामने ही है, मंदिर वहाँ पर है और यहाँ पे पार्क है। और ये जो रोड जाती है, ये क्रिश्चियन हिल की तरफ जाती है, क्रिश्चियन हिल्स और जो बोलते हैं एरोड्रम की तरफ जाती है, जो गिरडी एयरपोर्ट है ना, तो ये रोड उसी तरफ जाती है। और कृपा आई थी साइकिल में, तो कृपा भी साइकिल से उधर जाने वाली है, साइकिल चला के। तो फ्रेंड्स, कृपा भी साइकिल से आई थी, तो कृपा साइकिल से घर जाएगी। तो यही था फ्रेंड्स, ये पार्क, ये पार्क का ही बाउंड्री है, आप देख सकते हैं पार्क का ही बाउंड्री है, और पार्क जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे मंदिर भी है। शरीर में मंदिर का भी व्यू आपको बाहर से दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मंदिर है, ये यहाँ से पार्क ख़त्म हो रहा है और ये मंदिर का दरवाज़ा है, ये देखिए शिव मंदिर।
देखिए और ये शास्त्री नगर घाट है, यहीं पे छठ पूजा होती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय।